अभी हम आए हैं, आज है 7 सितंबर, थर्ड डे है हमारा वृंदावन में। तो कल वृंदावन के तो ज़्यादा हमने कवर कर लिए थे जितने भी टेंपल हैं, बस एक हमारा ये श्री कृष्ण बलराम टेंपल जो इस्कॉन वालों का है, ये वाला ये कवर नहीं हुआ था। तो अब हम इसको देखने आए हैं। ये भी बड़ा एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वृंदावन का, काफ़ी पुराना मंदिर और काफ़ी मशहूर भी है स्पेशली देखने के लिए। तो आके चल के अब हम ये जो है कृष्ण बलराम मंदिर जो इस्कॉन का है उसको देखते हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे अंदर, तो सबसे पहले ये शूज़ का ये लिखा हुआ है शूज़ स्टैंड यहाँ पे, और ये टाइमिंग है मंदिर की 7 बजे से 1 बजे और 4 से 8:30 विंटर में, 7 से 1 समर्स में, 4:30 से 9 शाम को, मतलब दोपहर को बंद होता है 1 से 4:30 बजे के बीच में गर्मियों में। तो जैसे ही आप कृष्ण बलराम मंदिर में एंटर करेंगे इस्कॉन में, आपको ये मिलेंगी शॉप्स, यहाँ पर ये सारी बुक्स वगैरह की शॉप है जो इस्कॉन की बुक्स हैं, और यहाँ पे है स्वीट्स की शॉप, मिठाई की, ये भी अच्छा, ये बेकरी है एंड ये स्वीट्स की शॉप है। तो जो शॉप है आई थिंक इनको जो मैनेज करते हैं वो इस्कॉन की जो सोसाइटी है वही मैनेज करती है इन शॉप्स को। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इस्कॉन टेंपल में जैसे आप एंटर करेंगे तो ये मेन गेट है इसका, ये देखने में काफ़ी अच्छा है, इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है सब कुछ वो है। ये समाधि है जो आप जैसे एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आएगी, ये स्वामी प्रभु पदा की है जो फाउंडर हैं, आचार्य जिन्होंने इस्कॉन ग्रुप को मतलब जिसकी शुरुआत करी थी वो स्वामी जो प्रभु पदा हैं, वो 1977 में इस जो ये जो जिस मंदिर में हम खड़े हैं इस्कॉन टेंपल में, उन्होंने 1977 में इसकी वो करी थी, ये जो बनके तैयार हुआ था 1977 में आई थिंक उन्होंने शरीर भी छोड़ा था अपना। तो उनकी समाधि है यहाँ पे, और इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा अवेयर कॉन्शियसनेस। तो पूरे दुनिया में प्रचार जो श्री कृष्ण जी का है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस्कॉन सोसाइटी को जाता है, क्योंकि इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा ही पूरे दुनिया में श्री कृष्ण का प्रचार किया जा रहा है। और आपको जैसे पता ही होगा इस्कॉन टेंपल्स में कहीं पर भी आप जाएंगे आपको फॉरेनर्स बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये है स्वामी प्रभुपदा जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी, ये फाउंडर हैं, ये उनकी समाधि है। प्रभुपदा जी की जो समाधि है उसका डिज़ाइनिंग देखिए और आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए कितना अच्छा बनाया है। ये देखिए ये साइड से व्यू है, यहाँ से ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहे हैं स्वामी जी। और ये दिखाया हुआ है उनके झांकियों के रूप में, एक छोटी सी परिक्रमा टाइप कर ली है हमने, ये उनके पैरों के निशानों का बनाया हुआ है। वॉज प्लेस ऑन 25th डे ऑफ अक्टूबर 79। और एक ये बनाया हुआ है इधर, काफ़ी सुंदर है। जो इस्कॉन टेंपल है वृंदावन का ये श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित है, इसका नाम इसीलिए कृष्ण बलराम मंदिर है। जो यहाँ पर मेन मूर्ति है वो श्री कृष्ण और बलराम जी की है। तो अभी चलकर अभी तो हमने समाधि के दर्शन करे हैं प्रभुपदा जी के, अब हम चलकर और दर्शन करेंगे श्री कृष्ण और बलराम के। ये देखिए काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स के जरिए श्री प्रभुपदा जी की पेंटिंग है, ये उनकी फ़ोटो, और ये श्री राधा और कृष्ण। और ये श्री कृष्ण और राधा रानी नहीं, अच्छे श्री कृष्ण और बलराम जी हैं, उनकी फ़ोटो है, सॉरी। अब ये हम मेन उसमें एंटर कर गए हैं, इस्कॉन
सोलोमन टेम्पल में आप कभी भी जाएंगे, जो यहाँ का म्यूज़िक होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जब वहाँ के म्यूज़िक सुनेंगे। तो भी चलकर हम भी सुनते हैं और हम भी मंत्रमुग्ध होते हैं। टेम्पल में आ गए हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में ये है स्वामी प्रभुपदा जी की दर्शन है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे हैं श्री गौरी मिताई, ये दर्शन है। और जो सबसे मेन है सेंटर में वो हैं कृष्ण बलराम जी के दर्शन, ये। और फिर ये थर्ड नंबर पे जो यहाँ पर है वो राधा कृष्ण और साथ में सखी ललिता और विशाखा, उनके दर्शन। ये यहाँ पे इस्कॉन में गिफ्ट शॉप है, अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ का बुक स्टॉल है, जो बुक्स हैं इस्कॉन की वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर है महाप्रसाद और ये डाइटीज फोटोज, तो ये सब है प्रसाद में। बलराम श्री कृष्ण बलराम महाप्रसाद डोनेशन, ये सब इसके रेट लिस्ट है, तो यहाँ से आप महाप्रसाद ले सकते हैं। ये लिखी है, हर लैंग्वेज में लिखी हुई है बुक्स, जैसे आप पढ़ सकते हैं इसमें सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की और इंडियन भी। ये बाहर की तरफ तो आ गए वैसे मंदिर का, जो उधर से एग्जिट पॉइंट ही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है वॉल पे। अगर आप यहाँ पे श्री बलराम और कृष्ण जो ये इस्कॉन टेंपल है इसमें आकर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, और ये गोविंदास के नाम से काफ़ी अच्छा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो काफ़ी अच्छा है। मैंने इसमें खाया तो मिली, उसके बारे में सुना है। ये है ये रिसेप्शन काउंटर है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके रूम भी ले सकते हैं और यहाँ पर रुकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपका। तो ये वो रूम है, अभी तो क्लोज है, पता नहीं इसकी खुलने की क्या टाइमिंग है, जिधर श्री प्रभुपदा जी ने अपने अंतिम सांसें ली थी, तो यही है वो जगह। वैसे उनकी समाधि तो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन ये जो गेस्ट हाउस है एडजेसेंट, अगर आप आएँ तो इधर आकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी तो ओपन ही है, इसकी टाइमिंग है 5 मिनट के 10 से 1। अच्छा 10 से 1 है, 5 मिनट के बाद खुल जाएगा। चलो ठीक है सर, 5 मिनट वेट। तो अभी हम आए हैं स्वामी प्रभुपदा जी जिन्होंने अपने अंतिम सांसें जिस रूम में ली थी, तो उसको एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो ये वो रूम है, ज़्यादातर लोग वैसे समाधि पे ही दर्शन करके चले जाते हैं, बट ये उनका रूम है, ये पूरा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। अच्छा ये लाइब्रेरी है बुक्स, तो इधर जो ये बुक्स हैं उन्हीं की लिखी हुई बुक्स हैं सारी, प्रभुपदा जी की जो लिखी हुई बुक्स हैं उनके हाथ से। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है, इसी रूम में रहा करते थे वो, मतलब इस जगह में ये पूरा। और ये वो बेड है जहाँ पे वो सोया करते थे, और जिन्होंने इसी इधर ही उन्होंने इसी कमरे में अंतिम सांसें ली थी, उनकी समाधि बाहर की तरफ है फ्रंट में, जो मैंने अभी आपको दिखाई। और ये सब छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें उनकी।
अच्छा ये उनकी पालकी है जिसमें उनको लेके गए थे लास्ट में, और यहाँ पे बैठ के वो लिखा करते थे शेर पे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस जगह की। इस जगह आकर अगर आप चाहें तो ध्यान भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे चटाइयाँ रखी हुई हैं, ये नहीं, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर आकर अगर आप 10-15 मिनट बैठेंगे तो आपको बहुत ही माइंड में एक रिफ्रेशमेंट और एक बड़ी रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आएगी। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं इस्कॉन टेम्पल में तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा। जो ये श्री प्रभुपदा जी के लास्ट रेस्टिंग प्लेस जो था उस जगह पे करीब करीब 10 या 15 मिनट मैंने बिताए, और बहुत ही माइंड में ऐसा मतलब पीसफुल लग रहा है, बिल्कुल ऐसे एकदम सब कुछ खुल सा जाता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर इसमें मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स में जो ये होता है म्यूज़िक और गाना वगैरह, वो भी बहुत ही अमेजिंग है, जो पूरे दिन चलता है ये वाला। तो अब हमारा यहाँ का इस्कॉन में जो दिखाना था, मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया। मेन सबसे पहले आप समाधि में दर्शन करेंगे प्रभुपदा जी की, फिर कृष्ण बलराम के दर्शन है, राधा कृष्ण के दर्शन है अंदर टोटल, और फिर लास्ट में आप अगर रुकना चाहें तो गेस्ट हाउस भी है, और गोविंदा रेस्टोरेंट है खाली, उसमें खाना खा के जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो श्री प्रभु पदा जी का जो लास्ट रेस्टिंग प्लेस है जहाँ उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, वो रूम तो आप ज़रूर जाना, बहुत ही मज़ा आएगा, और वहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट एटलीस्ट टाइम स्पेंड करना। मैंने कृष्ण बलराम मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं अपने, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मथुरा, तो मथुरा का टूर करेंगे हम चल के।